और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बहरीन के एक आतंकवादी संगठन ने भी इसराइल पर हमला बोल दिया है। इसराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब छठा मोर्चा भी खुल गया है और इस मोर्चे का जवाब देने के लिए इसराइल ने भारी तैयारी शुरू कर दी है। देखें, इसराइल में पहली बार वो हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। अब इसराइल युद्ध के छठवें मोर्चे का शिकार हो रहा है। इसराइल के राडार उस वक्त भ्रमित हो गए जब अचानक बहरीन के इलाके से कई ड्रोन हमले एक के बाद एक हुए। इसराइल की धरती पर ऐसा हमला पहली बार हुआ। ईरान ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के 211 दिनों के बाद इसराइल के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण किया है। इस नक्शे को देखें तो साफ होता है कि ईरान खुद इसराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है और उसने ये साबित भी करके दिखाया है। ईरान के बाद इराक की जमीन से भी इसराइल हमला कर चुका है। इराक के बाद सीरिया की जमीन से भी इसराइल पर हमला हुआ है। सीरिया से सटे हुए लेबनान से भी इसराइल पर लगातार हमले जारी हैं। लेबनान से हजारों किलोमीटर दूर यमन की धरती से भी हूथी ने इसराइल पर ड्रोन हमले किए हैं और अब बहरीन की जमीन का भी इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है। यानी ये पूरा चक्रव्यूह है जो इसराइल के खिलाफ तैयार हो चुका है। आखिर बहरीन के एक चरमपंथी संगठन ने कैसे इसराइल को बेचैन कर दिया है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस हमले की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ तैयार हुए इस चक्रव्यूह के पीछे मौजूद शख्सियत को समझना भी जरूरी है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहर जेरूसलम से 1856 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है। इनका नाम है आयतुल्लाह खामेनेई, जिन्होंने इसराइल पर 6 दिशाओं से हमला करने की ताकत दुनिया को दिखा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई से प्रभावित बहरीन के चरमपंथी संगठन बहरीन इस्लामी प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इसराइल के खिलाफ हमले का दावा किया है। इस संगठन का एक और नाम है सराया अल अश्तर। ये बहरीन का ऐसा पहला संगठन है जिसने ना सिर्फ इसराइल पर हमला किया है बल्कि इसराइल पर हमले का दावा भी कबूल कर लिया है। सराया अल अश्तर या इस्लामी प्रतिरोध बहरीन के शिया लड़ाकों का एक संगठन है जिसमें बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम मौजूद हैं। युद्ध से पहले बहरीन की सरकार से इसराइल की सरकार के अच्छे संबंध विकसित हो रहे थे। सऊदी अरब और इसराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा था, उसमें सऊदी अरब के